2021 सीज़न, जिसके हवाले से ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम खान, डायरेक्टर पीसीबी हाई परफॉर्मेंस। बाकी हमारे साथ 6 हेड कोचेस मौजूद हैं क्रिकेट एसोसिएशन के, इनका भी मैं तारुफ करवाता चलता हूँ। लास्ट जो हमारे साथ थे सीज़न में, अब्दुलरहमान साहब सदरन पंजाब के हेड कोच, वसीम साहब नॉर्दर्न के हेड कोच, और जो हमें 4 नए हेड कोचेस ने इस सीज़न में ज्वाइन किया है, मैं अपने अगर इमीडिएट लेफ्ट से शुरू करूँ, अब्दुल रजाक खैबर पख्तूनख्वा, फैसल इकबाल बलोचिस्तान, शाहिद अनवर सेंट्रल पंजाब एंड बासित अली सिंध। जिस तरह से हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है, हम वही फॉलो करेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट्स लेंगे अपने जो यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं इनसे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस के लिए सिलसिले का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं नदीम भाई को कहता हूँ, नदीम भाई आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दें। माइक मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे पीछे पड़े, इसको आप यूज़ करें। थैंक यू नदीम भाई। थैंक यू एहसन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि आज आपने देखा होगा जो हमारी प्रेस रिलीज हुई है, टीमें अनाउंस हुई हैं इस सीज़न के लिए 2021 की। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना सिर्फ हमने टीमें अनाउंस की हैं, बल्कि इसमें आपने देखा होगा कि एक डेट है 30th of September, यानी कि हम एट द सेम टाइम जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी, उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अरसा पहले देखेंगे, आज से 3 महीने पहले, तो बड़ी अनसर्टेनिटी थी कोविड की वजह से, लगता नहीं था कि कोई डोमेस्टिक सीज़न होगा या क्रिकेट होगी इस साल। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, सूरत हाल है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। और इस दरमियान एक आम तासर था कि कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेटली बहुत कुछ इसके पीछे काम चल रहा था। कोचेज़ की अपॉइंटमेंट हुई हैं, शेड्यूल्स बने हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें बैक पे बहुत लंबा चौड़ा काम हुआ है। तो आज हम इस काबिल हुए कि टीमें हमने अनाउंस की। जो 6 टीमें हमने अनाउंस की हैं, उसमें ये कोचेस मौजूद थे सारे, और बिल्कुल इन्होंने अपनी मर्जी से की ये टीमें सेलेक्ट की हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर है जो लास्ट ईयर चेंज हुआ था, उससे अब आप काफ़ी हद तक जो है उसको समझ चुके हैं, और आपके सामने जो सारी सिचुएशन पिछले साल हुई थी, तो इस दफ़ा हमने उससे थोड़ा सा और इवॉल्व किया है। और लास्ट ईयर एक इंडिपेंडेंट कमेटी थी जिसने टीमें बनाई थी, इस दफ़ा हमने प्रोसेस को कोशिश की और बेहतर करने की। हमने पहले कोचेज अनाउंस किए और फिर कोचेज की मर्जी से टीमें सेलेक्ट हुई हैं, और इनको जो पूल ऑफ प्लेयर्स दिया गया था वो आपको हमारी प्रेस रिलीज में भी है कि कहाँ से दिया गया था और किस क्या क्राइटेरिया से, उसको देखते हुए उन्होंने टीमें सेलेक्ट की। सबसे पहले तो इनका ये काम था जो इन्होंने किया कि इन्होंने देखा कि लास्ट ईयर के हिसाब से किन प्लेयर्स को रिटेन करना है। इन्होंने पहले उन प्लेयर्स को रिटेन किया, उसके बाद इन्होंने आपस में ट्रेड की कि किस प्लेयर को अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से और टीम की बैलेंस को देखते हुए आपस में मिल के इन्होंने कुछ ट्रांसफ़र्स किए। और उसके बाद जो पूल ऑफ प्लेयर्स था उसमें से जो बाकी स्लॉट और स्पॉट्स रह गए थे अपनी टीम को बैलेंस करने के लिए, उसको देखते हुए इन्होंने अपनी टीमें मुकम्मल की। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इन्होंने अपनी टीमें खुद सेलेक्ट की हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये सारे नेशनल सेलेक्टर भी हैं, ये ज़िम्मेदार लोग हैं कि जो अपनी टीमें खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरे ख़्याल से एक बेहतरीन प्रोसेस होता है कि कोच जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने कॉम्बिनेशन बना सकें। जब टीमें सेलेक्ट हो रही थी तो थोड़ी सी जो गाइडलाइंस थी उसमें यह था कि हम बिल्कुल अपने फ्यूचर को जहन में रखें, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी उसमें, आपने देखा होगा कि अंडर-19 प्लेयर्स को काफ़ी इस दफ़ा उनको सेलेक्ट किया गया है। ये हम फ्यूचर को देखते हुए हमने इनको ये गाइडलाइंस दी थी कि आप कोशिश करें कि अगर जहाँ भी जगह बने अंडर-19 के प्लेयर्स को बिल्कुल प्रेफरेंस दें। और उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है कि अगर आप देखें कि पिछले 2 ICC वर्ल्ड कप अंडर-19 जो थे उसमें हम सेमीफाइनल में ज़रूर पहुँचे, लेकिन जो मार्जिन ऑफ डिफीट था वो बहुत ज़्यादा था। तो अब हम ये समझते हैं कि ये बच्चे जब एक लेवल ऊपर क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली बेहतर ग्रूम होंगे। और एक हमेशा से ये चीज़ चली आ रही थी कि ये अंडर-19 से कुछ प्लेयर जब ओवर एज होते हैं तो वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं, तो ये चीज़ें भी हमने इनको गाइडलाइंस में रखा था कि ज़रा इनको देखेगा कि कोई भी प्लेयर जो टैलेंटेड है उनको देखेगा कि अगर आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं तो उसको ज़रूर शामिल करें। लास्ट ईयर हमने 192 प्लेयर सेलेक्ट किए थे, और अब
वो बढ़ते हुए 270, और उसमें जो सीजनल कॉन्ट्रैक्ट है वो 270 को मिलेगा, डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 192 को मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मिलाएं तो वो जाके 291 पे नंबर पहुंच जाता है, जो कि पहले से हर चीज़ इंक्रीज हुई है। जो एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मेरे ख्याल से आप सब लोगों का होता था, सब लोग इस बात भी करते थे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में एवरेज एज बहुत ज़्यादा है, तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल हमने जो एवरेज एज है जो सबसे ज़्यादा है वो बलूचिस्तान की, जो कि 27 साल है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि अब जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में लोग खेल रहे होंगे उसमें मोस्टली ऐसे लोग होंगे जिनको पाकिस्तान की टीम के लिए और फ्यूचर के लिए आप लोग देखेंगे कि हम कंसिडर कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा एज के प्लेयर पाकिस्तान की क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा साइन है। तो इस तरीके से ये सारी टीमें और उसका जो प्रोसेस था कंप्लीट हुआ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इस पर ज़रूर आप लोग कीजिए। थैंक यू नदीम भाई। पहले हम सारे हेड कोचेस से ओपनिंग स्टेटमेंट्स ले लेते हैं और फिर इकट्ठा ही क्वेश्चंस का आगाज़ करेंगे। नदीम भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और आप लेफ्ट पे वसीम भाई को माइक दे दें ताकि हेड कोचेस एक दफ़ा अपनी फिलॉसफी जो है पूरी टीम सिलेक्शन के पीछे वो बता दें। वसीम साहब, ओवर टू यू। अरे जी, अस्सलाम वालेकुम सारों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आई वुड लाइक टू थैंक पीसीबी के जिन्होंने मुझे दोबारा रिटेन किया एज अ कोच, मुझे इस काबिल समझा, तो थैंक यू पीसीबी। अब बात अगर मैं नॉर्दर्न की करता हूँ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये कि लास्ट ईयर की कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र भी आई थी, उसमें परफॉर्मेंस आपके सामने थी, उसके साथ साथ जो मेरा मेन था कि ये डेवलपमेंट कैसी चल रही है, हमारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म प्लान्स हमारे, वो भी आपको कुछ नज़र आए होंगे उसके अंदर। तो जो लास्ट ईयर हमने चीज़ें अच्छी की हैं तो उसमें मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश यही है, एक तो ज़्यादा उसमें कंसिस्टेंसी लेके आनी है, उसके हमने आगे कैसे लेके जाना और उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है। ये प्लेयर की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओबियसली उसका स्टेज बाय स्टेज ये है कि एक साल में अगर उसे इतना परफॉर्म किया है तो नेक्स्ट ईयर यही चैलेंज है उसके लिए, क्योंकि चैलेंज परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, तो नॉट ओनली फॉर द कोचेज बल्कि प्लेयर्स के लिए भी यही चैलेंज होता है कि आपने परफॉर्मेंस अपनी इम्प्रूव करनी है। तो मेरा जो फोकस लास्ट ईयर भी रहा है कि हमने जो मैक्सिमम जो टैलेंट है प्लेयर के अंदर उससे उसकी परफॉर्मेंस लेनी है, और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि उसमें कामयाबी मिली नॉर्दर्न की टीम को, यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा सामने आए, आपके सामने हैं वो लड़के हाईलाइट हुए हैं। तो यही फोकस मेरा इस साल भी है कि यू नो मेन हमारा काम जो है वो कि हमने प्रोडक्ट्स देनी है पाकिस्तान टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, जो कि मेन एक पर्पज़ होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का। तो वही फोकस इस साल भी होगा कि हमारे यंगस्टर जो हैं वो उभर के आएँ। ठीक है, दो तीन नाम आपके सामने हैं जो ऑलरेडी इनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं, पाकिस्तान टीम के नज़दीक वो पहुँच गए हैं, कुछ खेल चुके हैं। तो यही मेरा फोकस होगा कि एंड ऑफ दिस सीज़न थोड़े से इस तरह के यंगस्टर्स और सामने आएँ। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी कि यू नो अभी थोड़ी सी बात सिलेक्शन की भी नदीम भाई ने की है, तो ऑब्वियसली उस पर बाद में हम आपसे क्वेश्चन वगैरह भी लेंगे। तो देखिए, सिलेक्शन का मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि इसमें परफॉर्मेंस डेफिनेटली वो काउंट होती है, उसके बाद जो कि लास्ट ईयर भी टीमें जब बनी थी ऑब्वियसली नदीम भाई उसका हिस्सा थे, राशिद भाई ने बड़ी मेहनत की, मिसबा उसका पार्ट थे, तो काफ़ी मेहनत से उन्होंने काम किया था। आई कैन टेल यू कि आसान प्रोसेस नहीं है, इस दफ़ा भी इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है हमें, कि हमारी कोशिश यही रही कि कोई ऐसा टैलेंटेड प्लेयर, कोई ऐसा परफॉर्मर मिस ना हो जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने भी परफॉर्मर्स थे उनको दोबारा से सिलेक्ट भी किया जाए, बट वंस अगेन परफॉर्मेंस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ क्राइटेरिया अगर आप बना लेते हैं तो वो फिर स्टैट बेस्ड टीम होती है, जो कि मॉडर्न क्रिकेट में सिर्फ स्टैट बेस्ड आप टीम उस तरह नहीं बना सकते हैं। आपको साथ में यू नो और चीज़ें भी देखनी है कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो कि हम समझते हैं यार इसमें पोटेंशियल है कि ही कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद आपने टैलेंट आइडेंटिफाई करना इमर्जिंग प्लेयर्स के, कौन सा फ्यूचर के आगे प्लेयर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए ये स्क्वाड्स बने हैं उसमें। तो वंस अगेन मेरी बस यही है, ख्वाहिश यही है कि लास्ट ईयर जिस तरह नॉर्दर्न की परफॉर्मेंस रही है उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी आए और उसमें इम्प्रूवमेंट भी आए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया वसीम भाई। रहमान भाई, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वसीम ने बात की, तकरीबन हम तमाम कोचेस का विज़न तकरीबन एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को प्लेयर प्रोड्यूस कर प्लेयर दें, ऐसे प्लेयर जो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट है उसमें एडजस्ट करें, जो हमारा इंटरनेशनल का और डोमेस्टिक का गैप है उसको कम कर सकें। और मैंने अपनी सिलेक्शन में ये कोशिश की है कि जहाँ से भी मुझे ऐसा प्लेयर मिले जो यंगस्टर है और जिसके अंदर पोटेंशियल है, और
شاید اس کو دوسرے ریجن سے اتنا چانس نہیں مل رہا تھا اور وہ نیچے کھیل رہا تھا, تو اس کو کوشش کیے کہ اپنے پاس رکھ کے اس کو تاکہ اس کو چانس بھی ملے اور اس کو گروم کیا جائے. تو سدرن پنجاب کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن پچھلے کئی سالوں سے اتنے زیادہ پلیئر وہاں سے نہیں آ رہے, تو کوشش یہ ہے کہ وہاں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہماری ٹیم جیتے گی تو اس جیت کو بھی سامنے رکھنا ہے اور پلیئر ڈیولپمنٹ کو. فرسٹ ہمارا یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ پلیئر ڈیولپ ہو اور ایسے پلیئر وہاں سے نکلیں تاکہ وہ جو دوبارہ ایک گیپ آ گیا ہے سدرن پنجاب کا, پہلے وہاں سے بڑے بڑے نام نکلے تو واپس وہ اسی ٹریک پر آ جائے اور جو پچھلے سال جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو آگے کنٹینیو رکھیں. تو کوشش یہ ہے کہ جو ینگسٹرز پلیئر ہیں اور جیسے کہ آپ ٹیم میں دیکھیں گے بھی کہ زیادہ تر کوشش میں نے کی ہے کہ ینگسٹرز پلیئرز کو جمع کیا جائے اور ایسا کمبینیشن بنائے کہ ٹیم اچھا پرفارم بھی کرے اور ہمارے لڑکے بھی اوپر آئیں. تو یہ تھینک یو, یہ میرا وہ تھینک یو. رحمان بھائی آپ اپنا مائک اپنے پاس ہی رکھیں. باسط بھائی اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ پی سی بی نے دوبارہ مجھے پی سی بی میں رکھا ہے. پہلے میں ایز اے سلیکٹر رہ چکا ہوں, آپ لوگ کو پتا ہے, اور اس دفعہ میں ایز اے کوچ مجھے نامنیٹ کیا ہے. میرا چونکہ لاسٹ ٹائم میں تھا نہیں سندھ کی ٹیم میں, جس طرح وسیم اور عبدالرحمٰن بھائی نے بات کری ہے, میرا بھی گول یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ینگسٹر ڈیولپ کیے جائیں اور ان سے ایسی پرفارمنس لی جائے جو آئندہ آنے والے دو تین سال میں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. کیونکہ میں سندھ کا کوچ ہوں, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے لاڑکانہ بھی ہے, حیدرآباد بھی ہے, تو ان کے لڑکوں کو بھی ہم نے لیا ہے. ان کی ماشاءاللہ پچھلے سال بھی اچھی پرفارمنس تھی اور جو ابھی انڈر 19 کے بچے ہیں انہیں بھی ہم نے لیا ہے. تو بیسکلی کام یہی ہے کہ انہیں اس طرح ڈیولپ کیا جائے, اس قابل کیا جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس ملک کو وہ ریپرزینٹ کریں. میری خواہش یہی ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ پلیئر پروڈیوس کیے جائیں جو آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کا نام روشن کریں, اور میری طرف سے میرے جتنے بھی کلیگ ہیں کوچز ہیں ان سب کو گڈ لک. تھینک یو. تھینک یو واسط بھائی. شاہد بھائی. شاہد بھائی مائک پاس کر لیجیے گا. ہلو, آ رہی ہے بات؟ اس کو آن کر لیں. ہلو, بس سب سے پہلے تو بہت شکریہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ یہ اپرچونٹی دی, اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اتنا وزڈم دے کہ ہم انٹیگریٹی اور آنر کے ساتھ جسٹس کر سکیں. اچھا, اپنا سینٹرل کی ٹیم کا تھوڑا سا اوور ویو آپ کے ساتھ میں بتا دوں کہ جو بھی ہم نے دیکھا سلیکشن پروسیس ریگارڈنگ, اور پلس یہ کہ فیوچر پلاننگ. ایک آدھا منٹ لوں گا اس میں. زبردست ہماری ٹیم, لاسٹ ایئر چیمپئن ٹیم قائد اعظم ٹرافی کی, اور بڑے ٹاپ کے ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں, ٹیسٹ کرکٹرز ہیں, بیچ میں آپ نے دیکھے ہوں گے. تو یہ تو ہماری پرفارمنس رہی ٹی ٹوینٹی, اور کیونکہ ون ڈے تو ہو نہیں سکا, اور ٹی ٹوینٹی میں ہمیں امپروومنٹ کی اور گنجائش ہے ہماری. یہ چھوٹا سا ہم نے ایک چیز بیچ میں اس کے جو ریئلائز کی. پھر جو ہمارا ویژن تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا, جو ویژن تھا جو ہمارے ساتھ اکیڈمی کے تمام کوچز نے ڈسکس کیا, اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ الائن کریں, ہم اپنی جو بھی اسٹریٹجی بنائیں اس ویژن کے ساتھ الائن کریں. تو اس میں ہم نے, جیسے سر ندیم نے بتایا کہ اس میں ایج کا ایک ایسا مسئلہ آ رہا تھا کہ ایوریج ایج اس میں تھی, تو الحمدللہ بڑی محنت کر کے سب بھائیوں کی مدد سے ہم نے کوشش, اور سینٹرل پنجاب کی اس وقت جو ایوریج ایج ہے وہ 26 آئی ہے اس حساب سے. تو ایک یہ ہے جو مین ویژن ہے ایز کوچ میرا اور ہماری ٹیم کا ساری کا, جو میرے سپورٹنگ سٹاف بھی ہیں ہمارے ساتھ. مین ویژن یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ٹاپ کے لڑکے ہیں, جیسے میں تمام ٹاپ کے ٹیسٹ کرکٹرز آپ سارے جانتے ہیں, ان کے ساتھ جو ایریا ہمیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو لیو بائی سوڈ یو ڈائی بائی اٹ, کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایریا تھا اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. تو یہ ہم مکس ایسا کر رہے ہیں, پلان یہ ہے ہمارا کہ ان سینئرز کے ساتھ جونیئرز پلیئرز مکس کریں ایسا, تاکہ سینئر کرکٹر جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں ینگسٹر. تو یہ ہمارا ویژن ہے, پلس ہمارا یہ ضرور ہے ڈیفینیٹلی کہ ہم ریٹین کریں اپنا ٹائٹل ریٹین کریں, تگڑی پازیٹیو کمیٹڈ کرکٹ کھیلیں اپنی, اور کوشش کریں گے کہ میرٹ کے ساتھ ہم چلیں. تھینک یو. تھینک یو شاہد بھائی. فیصل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو میں پی سی بی کا اور ہائی پرفارمنس سینٹر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی
एक नए रोल के अंदर जो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि जिस ऑनेस्टी के साथ हमने इस प्रोविंस की टीम बनाई है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ज़्यादातर आपको वो प्लेयर्स पूल ऑफ प्लेयर्स नज़र आ रहे होते हैं दूसरी टीम्स के इंटैक्ट करने के बाद, उनको आपको यूटिलाइज करना होता है मैक्सिमम विद द जूनियर प्लेयर्स ऑल्सो। तो जिस तरीके से सब ने अभी एक प्लान बताया हमारा, मेरा भी सेम गोल है कि जो कोचेज़ हैं हमारे हाई लेवल नेशनल टीम से लेके जूनियर लेवल तक हम पैरेलल हों और एक एक माइंडसेट से जो है हम आगे बढ़ें और आगे चलें। टीम से मुतालिक मैं यही बात करूंगा कि आपने एवरेज एज का सुना, नॉर्मली पास्ट में होता रहा है कि बलूचिस्तान की टीम से अक्सर हमारे गेस्ट प्लेयर मतलब जो प्लेयर्स दूसरे प्रोविंस के आके खेलते हैं तो वो एवरेज एज का इशू रहा होता है। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश ये हम सब ने ये की कि हम यंगस्टर्स को साथ लेके चले, और ख़ास तौर से जो आप टीम पढ़ेंगे तो आपको उनके लोकल यंगस्टर्स बच्चे सीनियर प्लेयर्स के साथ ज़रूर नज़र आएंगे स्क्वाड के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि हमने कोचेस को अलाइन किया। मैंने सबसे पहले जो हमारे कोचेज़ हैं असिस्टेंट कोच फर्स्ट इलेवन सेकेंड इलेवन के और इवन अंडर 19 के, उनको अलाइन किया और उनसे जो लोकल प्लेयर्स के बारे में फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी उसमें बहुत हेल्प की। तो ये मेरा गोल है कि इंशाल्लाह इस प्रोविंस से जितने ज़्यादा हम प्लेयर्स को सामने लाएँ, उनको अपॉर्चुनिटी दें, और उन प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ जब सीखने और खेलने का मौका मिलेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हम इंशाल्लाह प्लेयर प्रोड्यूस करें। ये मेरा गोल है इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद करता हूँ उसमें हम टफ टाइम देंगे टीम्स को इंशाल्लाह। थैंक यू फैसल। अब्दुल रज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबके व्यूज़ आपने सुने और मेरे भी कुछ ऐसे ही व्यूज़ हैं, और जैसा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हम अंडर हैं तो जैसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर होगी, इस तरह मुझे उम्मीद है कि कोचेस की परफॉर्मेंस भी मॉनिटर होगी। और जिस तरह की मैंने क्रिकेट खेली है, अल्लाह का शुक्र है, अग्रेसिव और पॉजिटिव, तो कोशिश करूंगा कि इस तरह की चीज़ ट्रांसफ़र करूंगा अपने यंगस्टर्स में। और खैबर पख्तूनख्वा की जो भी टीम है, एक तो कुछ प्लेयर हमने रिटेन किए हैं और उनकी परफॉर्मेंस बेस पे और पोटेंशियल बेस पे हमने इसको सेलेक्ट किया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे पीसीबी की तरफ से, इसमें पूरा उतरूँगा। और जैसे ही मैंने क्रिकेट सीखी और खेली और आगे खेला, और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी अभी खैबर पख्तून खान के प्लेयर्स हैं, उनमें मैं ट्रांसफ़र करूंगा। और मेरिट मेरा सबसे पहले होगा प्रायोरिटी, कि मेरिट पे कोई प्लेयर बाहर ना हो और सारे एक डिसिप्लिन के साथ सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। अब हम क्वेश्चन आंसर सिलसिले का आगाज़ करते हैं, पहले सुहेल भाई से लेते हैं, फिर यूसुफ भाई से, और फिर अनस से। सुहेल भाई, माइक नहीं है, हाथ आपको रेज करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। बता दीजिएगा किससे क्वेश्चन है ताकि वो एड्रेस कर सकें। इमरान साहब, देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये इसका फर्स्ट टीम और सेकंड टीम का, वो यही है जो आपने बताया बिल्कुल, और हम उसी पर ही हैं कि जो फर्स्ट टीम में अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो सेकंड टीम में जाएगा, जो सेकंड टीम में परफॉर्मेंस करता है वो ऊपर जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं है। जैसे आपने प्रेस रिलीज में देखा होगा कि हमने ये कहा है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आएगा करीब, उसके हिसाब से टीम अनाउंस होगी और उसमें फर्स्ट और सेकंड अनाउंस होगी। जैसे T20 आएगा, नेशनल T20 होगा, तो उस वक्त नेशनल T20 से पहले आपको वो हमारे जो ये कोचेस हैं ये अपनी अपनी टीम अनाउंस करेंगे और उसमें फर्स्ट और सेकंड करेंगे, और उसमें उसी प्रोसेस से होगा जैसे आपने अभी मेंशन किया कि उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि किसकी सेकेंड में अच्छी है, तो हो सकता है उसकी फर्स्ट में जगह बन रही हो तो उसको प्रमोशन होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं है अभी तक, और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये आपने उसमें पढ़ा भी होगा जो प्रेस रिलीज थी, उसमें इसी तरीके से लिखा गया।
देखिए, एक ग्रेजुएशन प्रोसेस है ना, अंडर 19 से आप सेकंड टीम की क्रिकेट और फर्स्ट टीम की क्रिकेट, तो अभी 13 लड़कों ने ग्रेजुएट किया है आपके सामने जो सिलेक्शन, 11 लड़कों ने, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। अगर आप दुनिया में, पूरी दुनिया की डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, इतनी तेज़ी से ग्रेजुएट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्योंकि हमें ये इस चीज़ का एहसास है कि मेरे ख्याल से जो हम सिर्फ अंडर 19 क्रिकेट बच्चों को खिलाते हैं, अगर उससे एक लेवल ऊपर वो टीमों के साथ और सीनियर प्लेयर के साथ ट्रेनिंग करेंगे और कुछ मैचेस में हिस्सा लेंगे तो डेफिनेटली उनका गेम इम्प्रूव होगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नंबर है, 14 में से 11 का सिलेक्ट हो जाना मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा नंबर है। और मेरे ख्याल से इस पर आपको, इन सब कोचेस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर रखा, जहन में रखा और उन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। एजाज जूनियर का, हाँ एजाज जूनियर की जो आपने कहा कि वो टीम, मेरे ख्याल से एक बहुत लंबा प्रोसेस था। लास्ट ईयर का ऐसा हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत लेट पास हुआ था, जिसकी वजह से एक प्रोसेस के थ्रू लोगों की अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी। इस दफ़ा एक पूरी एक प्रोसेस चला, एक बहुत बड़ा और मेरे ख्याल से 5 फेसेस में वो प्रोसेस था और उसके बाद हमने फैसला किया। और ये कह देना कि एजाज अहमद बाहर हो गए, ऐसा नहीं है कि एजाज अहमद बाहर हो गए। एजाज अहमद पे पीसीबी की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनको कोर्सेज कराए गए हैं, उनको इतने अरसे से रखा हुआ था और उनको अप्रोप्रिएट जगह पे हम ज़रूर देखेंगे कि जहां उनकी जगह बनती है, जहां उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एजाज अहमद की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने, उनकी टीम जीती थी, तो यकीनन हम, हमारे जहन में भी ये चीज़ है, हमारा पार्ट है वो, हमारे हम क्रिकेट भी साथ खेलते रहे और एज ए पीसीबी डायरेक्टर वो पीसीबी का पार्ट है और जहाँ भी अप्रोप्रिएट जगह होगी उनके तजुर्बे का हम फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं है बाहर कर कह देना बाहर नहीं कोई भी हुआ ऐसे। देखिए ये जो प्रोसेस है कोविड के, जो आप कह रहे हैं बायो सिक्योर वाला, एक तो सबसे अच्छी बात है वो, मेरे ख्याल से आप सबको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान की सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर हुई है पहले के मुकाबले में। और आज हम इस काबिल हुए हैं कि आप टीमें भी अनाउंस कर रहे हैं और सीज़न भी अनाउंस कर रहे हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है होना, और उसकी अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है पाकिस्तान के उन लोगों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, के जो कि क्रिकेट के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो ये तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे, जहाँ तक आपने बात की कि वो बायो सिक्योर जो बबल की बात है, वो उस पर अभी काम चल रहा है और काफ़ी चीज़ें हम, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारे यहाँ जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जो दूसरी दुनिया में हर जगह जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं हम भी उसी को फॉलो करें, लेकिन हमने भी उस पे डेफिनेटली एक सिक्योर माहौल बनाएंगे, क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं होती और हम प्लेयर्स हमारे लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो टेस्टिंग का जो है वो हम आपको बहुत जल्द उसके बारे में, वो जो बाकायदा जो कोविड की हमारी पॉलिसी प्रोसीजर्स होंगे उसके बारे में हम यकीनन आपको बताएंगे, और जैसे ही वो कंप्लीट होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सिचुएशन एक, इस पे हमारा काम चल रहा है पिछले 2 महीने से, कोई तकरीबन 2.5 महीने मैं कहूँगा, और उस पे मुसलसल डिस्कशन है जो हमारे पीसीबी के भी डॉक्टर्स हैं और बाकी जो बाहर के भी लोग हैं उनके साथ डिस्कशन चल रहा है, और उसको क्योंकि सिचुएशन इवॉल्व कर रही है तो उसमें अक्सर चीज़ें कभी चेंज हो रही हैं और कभी डल रही हैं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द हम जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट का अनाउंसमेंट करेंगे आपको शेड्यूल वगैरह, उसी दरमियान हम आपको ये कोविड पॉलिसी भी अपनी बताएंगे कि किस तरीके से हम डोमेस्टिक सीजन में इन चीज़ों की पाबंदी करेंगे और प्लेयर को सिक्योर करेंगे। हाफिज साहब, पहले आप नदीम भाई से कर लें ताकि एक दफ़ा सबको मौका मिल जाए फिर।
नहीं देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कोई सिस्टम के तहत नहीं हुई थी, लेकिन हम इस तरह का प्रोसेस नहीं चला सके थे। ये जो अभी हमारा प्रोसेस चला है ये तो 6 वीक का था, वो तो उसमें भी कोई प्रोसेस तो अप्लाई होता है। कभी भी पीसीबी में किसी की जॉब ऐसे नहीं होती कि बगैर प्रोसेस के हो जाए, लेकिन जो एक असेसमेंट एक किसी कोच की होनी चाहिए इस लेवल पे, वो उस प्रोसेस करने का टाइम नहीं था, ये बात मैंने की। दूसरी बात जो सिलेक्शन से रिलेटेड है, वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली सिलेक्शन की है। इसका जवाब बेहतर जो है ये कोचेस देंगे, इन्होंने क्या देख के की है, कैसे की है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हमने अपनी जो प्रेस रिलीज थी उसमें बताई है। उसके अलावा उन प्लेयर्स का क्या फ्यूचर होगा ये बेहतर जवाब दे सकेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है वो सिलेक्शन किया। देखिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, जो उसका बेसिक मकसद है वो यही है कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट, और उसके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको डेवलप करना, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, ये बेसिक मकसद होता है किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट कराने का। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने कोचेस का प्रोसेस किया, इसी तरह अंपायर्स का भी प्रोसेस हुआ है, और हमारी ये कोशिश है कि उसमें हर बंदा जो उससे जुड़ा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट से उसको डेवलप करें और आगे लेके जाएं। तो बिल्कुल जो लोग काम कर रहे हैं, इस दफ़ा इनकी बाकायदा इनको JDs दी जा रही हैं, इन साल के ऑब्जेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह किसी भी कॉरपोरेट कल्चर में होता है कि आप साल के टारगेट देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और फिर उस पर असेस करते हैं एक साल के बाद। तो इस दफ़ा इनको बाकायदा इनकी JDs दी जा रही हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स दिए जा रहे हैं जो कि अलाइन है PCB के ऑब्जेक्टिव्स और एम से। तो उसी तरह हिसाब से इनकी जो है असेसमेंट होगी बाय द एंड ऑफ द ईयर, और उसी हिसाब से जो इसने अच्छा परफॉर्म किया डेफिनेटली वो आगे जाएगा या बेहतर होगा या उसकी जॉब बेहतर होगी। और हम ये समझते हैं क्योंकि ये सारे उस प्रोसेस के थ्रू आए हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे, और जो PCB और पाकिस्तान जो अचीव करना चाहता है क्रिकेट में उसमें उस ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स इनको दिए जाएंगे फॉर द ईयर उसके हिसाब से असेसमेंट होगी, और जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसको इस हिसाब से जो है प्रोमोशन वगैरह होगी। उसके मैनेजर्स हम अभी अपॉइंट करेंगे, क्योंकि एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। अभी मैनेजर्स भी हमने आपको बताने हैं, अभी हमने ट्रेनर्स भी बताने हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी बताने हैं, क्योंकि लॉजिस्टिकली आपको टीमें बहुत जल्दी अनाउंस करनी होती हैं, क्योंकि उनके फिर कपड़े और लॉजिस्टिक्स का मसला होता है। तो पहले हमने ये किया है, अब बहुत जल्द आपको मैनेजर्स और फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर्स का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। इजाज बाकरी, अबू बकर एंड देन कादर ख्वाजा बाकरी साहब। देखें जो इनको रखा गया है, एक तो काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं, और मैंने जो सोचा इनको रखने के लिए कि जितने भी ये जब यंगस्टर साथ खेलेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की क्रिकेट जो जितने प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। तो सीनियर प्लेयर का ये मकसद होता है कि जब यूनियर के साथ खेलते हैं तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और आप काफ़ी क्रिकेट सीखते भी हैं ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। तो इस वजह से इनको रखा है, और डेफिनेटली ये हमारी फर्स्ट चॉइस में होंगे जी। ट्रैवल डेफिनेटली जी, डेफिनेटली जब ये अनाउंस होंगे T20 का जो भी अभी टाइम है उसमें, तो जब अनाउंसमेंट होगी तो ट्रैवल करेंगे डेफिनेटली।
हेलो ये नहीं है कि देखे हम एवरेज एज बार बार बता के कोई क्रेडिट की बात है, हम आपको सबको, क्योंकि आप सब बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है। एवरेज एज उस डायरेक्शन का बताती है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीनियर प्लेयर को ड्रॉप कर दें। सीनियर प्लेयर जो होता है वो उसका बड़ा तजुर्बा ज़ाहरी बातें होता है और डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंसेस होती हैं और वो बहुत सारे बच्चों का रोल मॉडल होता है। तो एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मिक्स है कि आप ये देखिए कि जहाँ पे आपने जिन सीनियर प्लेयर के बारे में बात की है उनके होते हुए भी एवरेज एज आपकी इतनी है, तो जो कि बहुत अच्छा मिक्स है मेरे हिसाब से, एक वेरी पॉजिटिव साइन, और जिसको मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो फ्यूचर की तरफ देख रही है। तो उसको बताने का मकसद सिर्फ ये था, ऐसा नहीं है कि कोई क्रेडिट लेने वाली बात है और कोई एक इस तरह की हम कोई पोर्ट्रे कर रहे हैं चीज़ें, उसकी असल वजह यह है कि एक डायरेक्शन देता है ये सिलेक्शन जो है, जो बताता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो सीनियर प्लेयर को हम ड्रॉप ऐसे नहीं कर सकते, उनके तजुर्बे का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, उनकी बड़ी खिदमात हैं और इसी वजह से वो वहाँ पर मौजूद हैं। अबू बकर आप सवाल कर लें, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सब पहले एक एक क्वेश्चन कर लें फिर हम उसके बाद सेकंड राउंड कर लेंगे ताकि एक दफ़ा सबको मौका मिल जाए। जी अबू बकर। देखें, जैसे मैंने अपनी बात के शुरू में आपको बताया कि हमने बड़ी मुशावरत से ये टीम बनाई, मैं, मेरे असिस्टेंट कोच वसीम हैदर जो फॉर्मर सेलेक्टर भी रहे हैं, और उनके साथ जो रीजनल कोचेस हैं बलूचिस्तान के फर्स्ट सेकंड और जूनियर कोचेस। अब जब आपके पास इस तरीके के पूल ऑफ प्लेयर्स होते हैं कि जहाँ लोगों ने अपने प्लेयर्स रिटेन भी करने हैं और रिलीज़ भी करने हैं, तो वहाँ जो आपका कोर प्लेयर होता है वो डेफिनेटली मोस्टली अपना रिटेन करने में चला जाता है। तो वहाँ पर मुशावरत ये होती है कि आपके पास अब पूल ऑफ प्लेयर्स कौन सा है। जब आपके पास वो पूल ऑफ प्लेयर्स आता है तो उसमें फिर डिस्कस किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, जो मैंने अपने सारे कोचेस के साथ बैठ के की। तो बेस्ट पॉसिबल जो हमें लड़के मिले, आप देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की, हमारे पास तीन पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स हैं, यासिर शाह हमारे पास है, इमाम उल हक है, और हम इन लोगों को कोशिश करेंगे कि ये इन लड़कों को, जिस तरह सबने कहा कि हम सीनियर और जूनियर्स को कम्बाइंड लेके चलेंगे, अच्छा अंडर 19 के भी हमने लड़के वो कॉन्टैक्ट किए हैं जो फ्यूचर पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जो अभी रिसेंटली खेलते हुए आ रहे हैं। सीनियर प्लेयर्स की आपने जब बात की तो इमरान फरद का जैसे बाकी भाई ने सवाल किया था, उनके ऑलमोस्ट 900 के करीब रन्स हैं लास्ट ईयर, तो हमने इस चीज़ को भी अपने साथ रखा है कि ऐसे प्लेयर्स हमारे साथ बहुत डेवलपमेंट प्लेयर का रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद अभी पिछले सीजन जैसे मैंने आपको बताया खेलता रहा हूं और इस चीज़ को बहुत क्लोजली समझता हूं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह जो भी बेस्ट पॉसिबल हम इस प्रोविंस के लिए कर सकते हैं, जो मेरा अपना फ्यूचर गोल है इस प्रोविंस के लिए, एक्चुअली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ से कोई ना कोई प्लेयर जो है आपको पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है इंशाल्लाह प्रोड्यूस करके दूँ। देखिए, जब हम क्रिकेटर्स एज ए क्रिकेट एनालिस्ट टीवी पर बातें हैं, जब बैठते हैं आप लोग सब देखते हैं, तो हम तज्जिया करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। ट्विटर हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो जो भी क्रिकेट रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हम समझते हैं, जो हमें लगता है, हम उसका इजहार करते हैं वहाँ पर। वो एक डिफरेंट रोल था और वो इजहार भी इसलिए होता है कि जब चलो अगर हम पावर में आएंगे या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आएगी कि जो हम अपनी तरफ से कर सकें, तो उधर आदमी वो चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट रोल था, डिफरेंट मेरा जो है एक प्रोफेशनल करियर आप कह लीजिए, बट अब मैं एक प्रोफेशनली कोचिंग के इस सेटअप के अंदर आ गया हूँ जिसमें आपके सामने सिलेक्शन का रोल है आप। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितना ज़्यादा उनकी हेल्प आउट कर सकूँ उस नज़रिए से जो मैं सोचता था और बोलता था।
तो मैं उसको पूरा फुलफिल करूंगा और इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में मेरी तरफ से बहुत पॉजिटिविटी नज़र आएगी। फरहान निसार और फिर हाफिज शहबाज। फरहान तुम्हारे तो तीन चार सवाल हो गए। हाँ देखिए, जहाँ तक कोचेस का आपने बात की कि आपको चार तो पता है तजुर्बे कार इन द सेंस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, बाकी दो भी जो हमने रखे हैं रजाक क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ, मतलब ये कि कोचिंग का करियर तो इनका शुरू हो चुका था पहले से, दो दो साल या तीन साल एग्जैक्टली चार साल से क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ है, और फैसल भी कराची किंग के साथ हैं आप सब जानते हैं तीन साल से, और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो इनकी जो फ्रेंचाइज है उनकी तरफ से भी बहुत बेहतरीन है। डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल आपने कहा इनके लिए नई है, इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ। सिलेक्शन में इन्होंने जैसे फैसल ने अभी आपको बताया भी कि जो इनके पास जो दूसरे कोचेज़ हैं उनसे उन्होंने मशावरत की है, बहुत सारे प्लेयर्स को डेफिनेटली आपने जैसे कहा हो सकता है ये पर्सनली नहीं जानते हो, लेकिन जो इनके पास कोचेज हैं जो इनकी कोचिंग की पूरी टीम है वो उनको डेफिनेटली जानते हैं। और फैसल मेरे ख्याल से बहुत एक फॉर्चुनेट बंदा है कि इसके साथ जो अभी आपके फॉर्मर नेशनल सेलेक्टर थे जो हर जगह जाके मैचेस भी देखते थे और बहुत तजुर्बा रखते हैं, उससे पहले वो रीजनल कोच भी थे, हेड कोच भी रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से खुशकिस्मती से फैसल के पास ये एक एडिट एडवांटेज था जिससे फैसल ने फ़ायदा उठाया होगा और उनसे मशवरा किया जैसे आपको पहले भी बताया। तो इस तरह की चीज़ें जो हमने बिल्कुल गौर की थी और वो आपके सामने सिलेक्शन में नज़र आई, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है। और कोई आप क्या कह रहे थे किसका? हाँ देखे हाँ, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपकी बात एक तरीके से सही भी है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, आपकी जो बात है कि बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट है, तो उसमें डेवलपमेंट का फेज़ जो आपने कहा कि वो अकेडमीज़ का काम है, देखें अभी आपको पता होगा कि पीसीबी ने मर्ज कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट और कोचिंग का जो हमारा सिस्टम था जो पहले एनसीए कहते थे उसको, और अब हाई परफॉर्मेंस एक डिपार्टमेंट बना दिया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि यहाँ पे कैंप्स होते थे हमारे जो पीसीबी के और एनसीए के थ्रू, उसमें प्लेयर्स डेवलप किए जाते थे और उनको डोमेस्टिक में चांस नहीं मिलता था, तो उसको मर्ज कर दिया, इसलिए कि जो प्लेयर डेवलप किए जा रहे हैं वो जाहिरी बात है उसका जो असल में जिस लिए डेवलप किए जा रहे हैं वो तो गेम के लिए किए जा रहे हैं, तो उसमें वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लें, तो अब वो पार्ट है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डेवलपमेंट की जगह है, बेसिक मकसद हमारा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बेहतर करना है, तो डोमेस्टिक हर जगह उसको डेवलपमेंट प्लस प्रोफेशनल क्रिकेट होती है, तो दोनों चीज़ें हैं उसमें, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एकेडमी में डेवलप करते हैं, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में तो जाना ज़रूरी है, तो डेवलपमेंट वहाँ भी होती है, अंपायर्स की भी होती है, रेफरीज की भी होती है, मैनेजर्स की भी होती है, कोचेस की भी होती है, और डेफिनेटली प्लेयर्स की होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक क्रिकेट और डिवेलपमेंट अलहदा है, वो एक ही चीज़ है और उसका पार्ट है डेवलपमेंट का जो है डोमेस्टिक क्रिकेट।
देखिए टफ नहीं, जैसे हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंडर आ रहे हैं और हम भी, हमारा भी डेवलपमेंट के लिए, जैसे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैच खेलता है, पहला मैच खेलता है, तो उससे आपको ये नहीं सवाल करेंगे आप पहले कितने टेस्ट मैच खेले हुए हैं, उसके लिए भी अच्छा होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए भी नई चीज़ होती है, मेरे भी नई चीज़ है, मैं भी यहाँ सीखूँगा। और जैसे फैसल ने भी कहा, यहाँ हमारे पास भी जो असिस्टेंट कोच हैं या नीचे स्टाफ है, उनसे मशवरा लेके हमारा एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनेगा, और जो चीज़ आपको नहीं पता चलती तो हम उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, किसी से एडवाइस ले सकते हैं, तो मेरे लिए भी नई चीज़ है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। जैसे आपका सवाल था, देखिए यहाँ पर मैं वसीम हैदर भाई को बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने मुशावरत में मेरे साथ बहुत हेल्प की, और डेफिनेटली बहुत सालों से मैं उनको जानता भी हूँ, वो भी मुझे मेरा वर्क एथिक्स जानते हैं, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर जानते हैं, तो काफ़ी हमने लड़कों के ऊपर डिस्कशन किया और बहुत हेल्प मिली, और बहुत अच्छा उनकी बड़ी पॉजिटिविटी मुझे मेरे साथ वर्किंग में नज़र आई, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हम उसको आगे लेके चलेंगे। दूसरा सवाल, जैसे भी रजाक भाई ने बात की कि आप लोगों को थोड़ा सा ये भी देखना है कि हम थोड़े से नए कोच हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, एक नया प्लेयर डेब्यू करने जा रहा होता है, उसकी फीलिंग और उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है, तो एक तरह से हम भी अभी नए आ रहे हैं और वो डेब्यू वाले प्लेयर्स के माइंडसेट हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमने अपने करियर में गेन किया है, मैं अपनी बात यही करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी चीज़ों को अप्लाई करूँ, हर वो प्लेयर, हर वो थिंकिंग, हर वो मैंटेलिटी जूनियर प्लेयर से लेकर सीनियर प्लेयर तक उसको इंटैक्ट करने की अपनी सब पूरी कोशिश करूँगा। बाकी इंशाल्लाह जब आप की नीयत साफ होती है तो रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छे। इजाज बाकरी, और फिर हम अबू बकर से लेंगे, फिर यूसुफ भाई से। देखें, जो आपने बात करी कि मिसबा ने शायद वो हैप्पी नहीं है, इसका तो हमें नहीं पता, उस पर तो बात करना मेरे ख्याल फजूल है, क्योंकि ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है मिसबा की तरफ से। जहाँ तक आपने बात करी कि इख्तलाफी, मेरे ख्याल 6 साल वो मेरे साथ खेला है SNGPL में, और जितना अच्छा रिश्ता मेरा उसके साथ है, मेरे ख्याल हफीज़ हो गया, मिसबा हो गया या अजहर अली हो गए, मेरा इनसे रिश्ता बहुत अच्छा है और अभी तक कायम है। मेरा 1 साल मेरे ख्याल गैप आया है, 1 साल पहले मैं पार्ट PCB का था, 1 साल तक मैं नहीं था, उस अरसे में TV पर आपने शायद वो नादिर ही मुझे देखा हो सिवाय एक्सेप्ट PSL के, बाकी अगर आप कोई बात ऐसी कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसी बात हुई है। अबू बकर और फिर वसीम भाई। अच्छा, उसमें पहली बात ये कि मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक मैं इवन जब मैं एज एनलिस्ट TV पे बैठता था तो मैंने पर्सनल किसी का नाम लेके किसी के ऊपर क्रिटिसाइज किया हो, दैट्स नॉट माई स्टाइल, और मेरा नहीं ख्याल आपको ऐसी कोई चीज़ मिलेगी। दूसरा, देखें, आई टेक इट एज अ चैलेंज कि जब आप TV पे बैठते हैं ना तो आप बोलते हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपने वो चीज़ें फुलफिल करनी है, तो बेसिकली इट्स अबाउट चैलेंज योर सेल्फ, जो कि मेरे लिए चैलेंज था, और जितनी बातें मैं सजेशंस देता था, यू नो, मैं क्रिटिसाइज इसको नहीं कहूँगा कि मैं क्रिटिसाइज करता था, मैं सजेशंस देता था, तो पिछले साल काफ़ी वो चीज़ें हमने अचीव की हैं एज अ नॉर्दर्न टीम भी, एज अ PCB में भी आपको, और इस दफ़ा भी आपको उसमें काफ़ी चीज़ें कि जिस पे हम बात करते थे कि यार ये इन चीज़ों में बेहतरी आनी चाहिए, पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए, यू नो, हमें हमारा विजन होना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको वो नज़र आ रही हैं, तो मेरा उस तरह का तो कोई उस तरह का नहीं है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश मेरी यही है कि अगर मैंने बैठ के उसको कहते ना कि वो बढ़िया बढ़िया गल्लां कीतियां ने, नाउ दिस इज़ द टाइम टू डिलीवर, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इट्स गोइंग वेल, और आगे भी मेरा यही प्लान है कि वो चीज़ें हम अचीव करें।
देखिए टैलेंट तो है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें मैं कामयाब होऊंगा। और जितने भी ऑलराउंडर आप नाम लिए हैं तो काफ़ी टैलेंटेड हैं भाई, ये कि उनके साथ मैंने काम तो किया नहीं, ना उनको मैंने कोचिंग की, ना जो प्रीवियस बोर्ड में थे उन्होंने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि आप इनके साथ वर्क करें, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इस बार अपॉर्चुनिटी मिली है तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है अल्लाह का शुक्र है, मैं बॉलर को भी बता सकता हूँ, बैट्समैन को भी बता सकता हूँ, तो ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि ऑलराउंडर हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी ऑलराउंडर नज़र आएगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसको एक अच्छी कोचिंग करूँगा और अच्छा ट्रेन करूँगा तो जो पाकिस्तान के लिए वो सर्व कर सके। देखिए बात यह है कि वो भी एक मीडिया की थी और जो मैं कहना चाहता था मेरी इंटेंशनली जो थी वो डिलीवर नहीं हुई और मैं कह गया कि जिसको मैं कोचिंग करना चाहता, उसमें मैंने कुछ देखा था कि ये इस चीज़ पे अगर वर्क करे तो ये और अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। तो ये जो आइज़ होती है ये एक जो खेला हो क्रिकेट वही देख सकता है या एक्सपीरियंस हो वही देख सकता है, तो डिफाइन करना मुश्किल होता है पर प्रैक्टिकली जब आप काम करते हैं तो उसमें आप इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा देखिए, अभी इन्होंने जिक्र किया है ऑलराउंडर्स का, लास्ट पे भी हमने कुछ एरियाज मार्क किए थे कि जहाँ पे हमें किल्लत है, ठीक है ना, वी हैव टू बी रियलिस्टिक कि एक शायद दौर था कि हमारे पास रॉ टैलेंट रेडी आ रहे थे, वो आते थे और वो छा जाते थे। अब थोड़ा सा अगर आप देखते हैं टैलेंट की उस तरह कमी नहीं है, लेकिन हमने एरियाज मार्क किए हैं ऑलराउंडर्स की आपने बात किया, सेम अप्लाइज ऑन द स्पिनर्स कि हमारे पास कोई लंबा चौड़ा बैकअप का स्पिनर्स मौजूद हमारे पास नहीं है, कुछ एरियाज और भी हैं, तो इन चीज़ों पे डेफिनेटली हमारा फोकस है और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्शन भी की है कि इसके अंदर ऑलराउंडर्स जिनका हम पोटेंशियल देख रहे हैं, तो किसी को शायद कोई क्वेश्चन मार्क होगा यार इसकी परफॉर्मेंस शायद इतनी नहीं थी, यंग है अभी और इसको ले लिया, तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्शन में हमने ये चीज़ें की हैं कि यार हमने टारगेट जिसको कह लेना कि हमने किए हुए हैं कि अगले दो साल में हमारे पास स्पिनर्स का बैकअप आ जाए, हमारे पास ऑलराउंडर्स का बैकअप आ जाए, तो इस तरह के प्लान्स डेफिनेटली हमारे हैं। देखिए आप मुझे मुदस्सिर नज़र साहब से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, ना मैं ख़ुद कभी ज़िंदगी में कर सकता हूँ जो उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। बल्कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ तो वो मेरे कोच थे, तो मेरे तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और कभी भी आप मेरे मुँह से इस तरह की कभी बात सुनेंगे नहीं कि मैं उनसे कंपेयर करूँ, उनके जो उन्होंने काम किए उस पर कैसे तनकीद कर सकता हूँ। तो मेरी कोई तनकीद उनके ऊपर नहीं थी कि उन्होंने जो है अब बड़ा प्रोसेस चल रहा है और पहले नहीं चल रहा, मैंने ये कभी कहीं भी नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा था कि जब लास्ट ईयर कोचेज अपॉइंट हुए थे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेट पास हुआ था, इतना टाइम नहीं था कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो सकता, ये मैंने कहा था एग्जैक्टली और मैं उसी बात पर कायम हूँ। जहाँ तक मेरे टारगेट्स की बात है, मुझे बोर्ड ने ये जॉब दी है और उन्होंने मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूं और यकीनन आपको टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और ये कॉरपोरेट कल्चर है, परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर है, इसमें अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो यकीनन मैं इस जगह पे नहीं रहूंगा। तो मुझे कुछ टारगेट्स हैं मेरे जो क्रिकेट बोर्ड ने दिए, मैं उसको अचीव करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, आपने ये कहा था कि मैंने कोचिंग सिस्टम तबाह कर दिया, मैंने कोई कोचिंग सिस्टम तबाह नहीं किया है, मैं अभी आया हूँ, दो महीने हुए हैं, ना हमने कोच एजुकेशन के प्रोसेस को रोका है, हमने बल्कि बाकायदा एक हेड ऑफ कोचिंग अपॉइंट किया है जो कि ग्रांट ब्रैडबर्न है, जिनकी पूरी दुनिया में उनकी कोचिंग की वजह से रिस्पेक्ट की जाती है एज ए मतलब वेरी ऑर्गेनाइज कोच, जो हमारी टीम के साथ भी काफ़ी अरसे थे। तो हमने तो बाकायदा और एक अपॉइंटमेंट की है हेड ऑफ कोचिंग, जो कि पहले जॉब नहीं थी, जो कि क्रिएट की गई है नए स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कोच एजुकेशन पे और उसकी वजह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप बात करते हैं कि जी
आपने वो गैप कम करना है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का, तो डेफिनेटली उसमें प्लेयर्स का जो स्किल लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उस स्किल लेवल को बढ़ाने के लिए आपको बेहतर कोच चाहिए डेफिनेटली, तो बेहतर कोच जब चाहिए तो उनके लिए कोच एजुकेशन सिस्टम भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसीलिए हमने हेड ऑफ कोचिंग अपॉइंट किया है ग्रांट ब्रैडबर्न को, और ये कोविड की वजह से अभी तक उन्होंने फिजिकली हमको ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन पीछे वो पिछले 3 महीने से सिंस जून काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो कोर्सेज हमारे रिज्यूम होंगे डेफिनेटली। देखें हमारे पास लेवल 1, 2, 3, 4 सारे लेवल के कोचेज हैं। दुनिया में चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, और अब आप इन फ्यूचर देखेंगे कि इनको बहुत सारे कोचेज जो है नई जो मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं उसके मॉड्यूल्स कराए जाएंगे, रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाएंगे। एट द सेम टाइम जो मेरे ख्याल से जो हमारे लेवल 1, 2, 3, 4 जो कोचेज का सिलेबस था उसको भी हम इन्हांस करेंगे विथ, और उसको अलाइन करेंगे विथ मॉडर्न डे क्रिकेट। और जो हमारा एम्बिशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कुछ अरसे पहले आपको पता है कि अनाउंस हुआ था, तो ये चीज़ें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कोच एजुकेशन कोच देखें अभी जो कोच एजुकेशन मैनेजर थे वो वही हैं, गेम डेवलपमेंट के जो जनरल मैनेजर थे वो भी वही हैं। ग्रांट आ जाएंगे तो उसके बाद वो ग्रांट जो उनका प्लान है वो पूरा अनाउंस करेंगे, और आप लोगों को यकीनन हम उसमें आपको कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ देखें जो क्रिकेट का गेम है उसमें सिर्फ प्लेयर ही नहीं है, आप सब की स्टेक होल्डर्स में से हैं, मीडिया है, कोचेज हैं, क्रिकेटर है, तो आप लोगों के साथ तो हम हर चीज़ शेयर करेंगे, लेकिन विद टाइम, उसके लिए थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। लेकिन हमने कोई भी चीज़ बंद नहीं की है और बंद कर नहीं सकते उसकी, जैसे मैंने कहा कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने कोचेस को ज़्यादा से बेहतर इक्विप करना, तो वो कैसे बंद कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अली भाई से। देखिए बहुत सारे आपने प्रेस रिलीज में ही देखा होगा, जैसे मंसूर राणा मैनेजर थे तो हमने उनको इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में क्योंकि वो उसके साथ हैं उनकी जगह बैटिंग कोच जो है अब उसको मोहम्मद यूसुफ को अपॉइंट कर दिया है, तो वो तो आपका सवाल जो है उस हिसाब से जवाब ये है। और साथ ही आपने देखा होगा बॉलिंग कोच भी कर दिया और विकेट कीपिंग और फील्डिंग कोच भी कर दिया, क्योंकि वो जाहिर बात है मसरूफ हैं और हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं कि जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें मुसलसल कोच अवेलेबल हो हमारे बडिंग टैलेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो अब हमने आपके सामने ही अपॉइंटमेंट अभी आपके सामने की है, तो वो चीज़ तो नेगेट हो जाती है वहाँ पे उस बात से। दूसरी आपका सवाल क्या था आपके? देखिए दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे आपको बताया होगा कि एक डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उन प्लेयर्स के लिए है जो कहीं भी जॉब नहीं करते और फुली अवेलेबल हैं। अगर कोई किसी जगह पे किसी डिपार्टमेंट में जॉब करता है, कुछ प्लेयर हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अभी भी काम करते हैं और हो सकता है उनकी सैलरी जो हम ऑफर कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो, तो हम उनसे NOC मांग रहे हैं कि आप NOC दे दें, अगर आपके डिपार्टमेंट को पेरेंट डिपार्टमेंट को कोई एतराज़ नहीं है तो वो कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से साइन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि डुअल जॉब नहीं होती है स्पोर्ट्स में, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह हर कंपनी के अपने सर्विस रूल्स होते हैं, अगर उनके सर्विस रूल्स के हिसाब से वो अगर उनको NOC दे देते हैं और वो यहाँ से सैलरी ले सकते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम प्लेयर की वेलफेयर चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को इस चीज़ पे किसी कंपनी को एतराज होगा तो वो फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जिसमें मंथली रिटेनर नहीं होगा, लेकिन वो जब मैच खेलेंगे उसकी मैच फीस उनको मिलेगी और डेली अलाउंसेज जो उससे रिलेटेड अलाउंसेज जब उनको मिलेंगे, तो बहुत मेरे ख्याल से प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा, क्लियर होगा। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी चीज़ जो है उसमें मेरे ख्याल से क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें इस तरह की पहले होती रही हैं जिसमें ये प्रॉब्लम्स आती रही है और
प्लेयर्स जो थे उनके पेरेंट डिपार्टमेंट को नहीं पता था कि किसी और जगह से भी सैलरी ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम चाह रहे हैं कि चीज़ें क्लियर हों, बेहतर हों, तो इस वजह से इसको इंट्रोड्यूस कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का, मीडिया का। मैं पहले जो हमारे कोचेज और नदीम भाई हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप लोग जो लेफ्ट साइड पे डोर है यहाँ से एग्जिट कर लें ताकि thank you.